खाना तो वाकई बहुत अच्छा बना है। दीदी आपसे सीखा है मैंने। आप लोग उठिएगा मत, मैं बस अभी आती हूँ। मामी जी अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए, मैं ले आती हूँ। नहीं नहीं अल्पा तुम रुको, बस मैं दो मिनट में आती हूँ। भाई वाह, इतना अच्छा सरसों का साग बहुत दिनों के बाद खाया। क्यों पापा, साग तुम अभी अच्छा बनाती है। अरे ये तो बनाती ही हैं। इनके हाथ का सरसों का साग तो कमाल है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि इनके बाद आज निर्मला के हाथ का सरसों का साग अच्छा लगा। अरे मेरे भाई तू तो अपने माँ की डांट पड़वाएगा मुझे। आप ही ना क्या? अरे इसमें क्या है? मैंने कल दीदी की बात सुन ली थी, आज समर का जन्मदिन है। समर आज भले ही हमारे बीच नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन उसका जन्मदिन मनाना थोड़ी ना भूलेंगे हम। निर्मला तुम ये सब कैसी बातें लेकर बैठ गई? आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं ऐसी बातें करके दीदी को और दुखी कर रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि दीदी समर को याद करे, लेकिन दुखी होकर नहीं बल्कि खुश होकर। इसीलिए मैंने आज उसकी पसंद का खाना बनाया है और मीठा भी उसी की पसंद का। माजी, मैं सोच रही थी कि आज समर की पसंद का कुछ बनाती हूँ। गाजर का हलवा समर को बहुत पसंद है, उन्हें अच्छा लगेगा। वही बनाऊंगा माजी। रुक जाइए दीदी, मुझे जाने दो। निर्मला नहीं दीदी, इस तरह आप इस दुख को कभी भूल नहीं पाएंगे। आपको समर को याद करना है तो दुखी होकर नहीं खुश होकर याद करना होगा। तुम तो चोट लगी मेरे निर्मला, इस दुख को कैसे भूल सकती हूँ? दीदी इस तरह आपको रोता देखकर समर की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? दरअसल मुझे अनामिका के बारे में बात करनी है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अनामिका इतनी चुप चुप क्यों रहती है, ना वो किसी से बात करती है ना ही कहीं बाहर जाती है। दीदी इस तरह आपको रोता देखकर समर की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? कभी सोचा है आपने, आपको यूं रोता तड़पता देखकर उसे कितना दुख होता होगा? तो फिर लौट क्यों नहीं आता वो अपनी माँ के पास? दीदी सच को स्वीकार करिए, समर इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, फिर भी वो हमारे करीब है। उसे हंस के याद करिए। हाँ दीदी निर्मला बिल्कुल सही कह रही है, समर अब हमारे बीच में लौट कर तो आ नहीं सकता।
इसलिए उसकी याद में आंसू बहाना ठीक नहीं। अगर वो कहीं से हमें देख रहा होगा तो हमें खुश देखकर खुश होगा। लेकिन आज तुम लोगों को रोता देखकर मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश। जकी जकी सी नजर देख कर आ रहे कि नहीं, दबा दबा ही सही दिल में प्यार। तुम कब आई? गाना अच्छा गा लेते हो तुम। मेरा मजाक उड़ा रही हूँ? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। सच कह रही हो तो ठीक है, क्योंकि मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ काम था? क्यों, बिना किसी काम के मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती? नहीं, बिल्कुल आ सकती हूँ। थैंक्स। अच्छा एक बात पूछू, मैं तुम्हें तुम कह के बुलाती हूँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगता ना? अरे बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं भी तो तुम्हें तुम ही कहता हूँ। सुनी, दरअसल मुझे अनामिका के बारे में बात करनी है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अनामिका इतनी चुप चुप क्यों रहती है, ना वो किसी से बात करती है ना ही कहीं बाहर जाती है, ऐसा क्यों? तुम ये सब क्यों जानना चाहती हो? मैं इसलिए जानना चाहती हूँ कि गलती से मुझसे कोई ऐसी भूल ना हो जाए जिससे वो हर्ट हो जाए या फिर उसे दुख पहुंचे। अनामिका की कहानी बहुत अजीब है संध्या। हालात में अनामिका है इस हाल में तो उसका जीना कितना मुश्किल होगा। बस इसी फिक्र में मैं उसे घर ले आया। मुझे डर था कि ऐसी हालत में इसे बाहर की दुनिया में छोड़ना बहुत ही नाइंसाफी हो जाएगी। नहीं पुनीत, तुमने बिल्कुल सही किया। आज तक मैं तुम्हें शरारती और खुश मिजाज लड़का समझती थी, लेकिन आज मैंने तुम्हारा दूसरा रूप भी देख लिया एंड आई रियली एडमायर इट। थैंक यू सो मच। मैं तुमसे भी यही उम्मीद करूंगा कि तुम उसकी मदद करो ताकि वो एक नई जिंदगी जी पाए। ऑफ कोर्स, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा, यू डोंट वरी। एक सेकंड। हेलो जी, मैं ऑफिस आऊंगा तो देख लूंगा। अनामिका के साथ जो कुछ हुआ उसी को लेकर पुनीत की मम्मी उसके लिए सिर्फ हमदर्दी है और कुछ नहीं। मैं तो सोच रही थी वो मेरी गलत फहमी है, अगर ऐसा होता तो आंटी कभी मुझसे पुनीत के बारे में बात नहीं करती। अब पुनीत सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। मेरी ख्वाबों में जुआ, मेरी ख्वाबों में जुआ, मुझे छेड़ जाए उसे कहो कभी सामने तो आए। ला 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 ला
माय गॉड यस आई लव हिम। कौन है वो खुशनसीब जरा हमें भी तो बताओ। तो नहीं अभी तो तुम कह रही थी आई लव हिम। अच्छा वो तो मुझे एक एड बनाना था उसी का कॉन्सेप्ट बना रही थी। तुम्हारा चेहरा इतना खिला हुआ है कि तुम्हारी बात पे यकीन नहीं हो रहा है। अनामिका क्या शब्द ही ऐसी चीज है कि सोचते ही चेहरे पर रौनक आ जाती है। ये इधर उधर की बातें करके मुझे बहलाओ मत और नाम बताओ उसका। सच्ची बाबा ऐसी कोई बात नहीं अगर होगी तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगी। ओके बाबा यकीन कर लिया अब चलें। कहाँ पर खाना खाने और कहाँ या प्यार के नाम से ही भूख मर गई है। अरे नहीं मामा मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है तुम चलो मैं अभी आती हूँ। जल्दी बस दो मिनट। अनामिका को देखते ही पता चल गया उमंग के लिए मेरे दिन मुझे एहसास है उन्हें कैसे छिपाऊंगी मैं सबसे। पर आंटी ने जब खुद ही मुझसे रिश्ते की बात की है तो मैं छुपाऊंगी लोगों को पता भी चल जाए तो क्या फर्क पड़ता है। I love you. Yes, I love you.